नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। गर्मी के महीने में पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा सभी घरों में दिख जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मिट्टी के घड़े में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। घर के लिए मिट्टी के घड़े को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन घर में एक ऐसा हिस्सा भी होता है जहाँ घड़ा रखने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपका घर धन ध्यान से भर जाता है। आज हम आपको बताएंगे मिट्टी के घड़े से आप कैसे हो सकते हैं धनवान और घर के किस हिस्से में भूल कर भी ना रखें मिट्टी का घड़ा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में मिट्टी के घड़े का रहस्य। मिट्टी के घड़े में कई गुण होते हैं। वास्तुशास्त्र में भी मिट्टी के घड़े को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। घर में मिट्टी का घड़ा रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। शगुन शास्त्र के अनुसार अगर घर से बाहर जाते समय जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा दिख जाए तो वो बेहद शुभ संकेत होता है। घर में मिट्टी का घड़ा होना सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पानी से भरे मिट्टी के घड़े को घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी कंगाली नहीं आती। उस घर की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उस परिवार के बच्चे भी संस्कारी होते हैं। घर में जब पहली बार घड़ा लाए तो घड़े का पहला पानी किसी बच्चे को और विशेषकर किसी कन्या को पिलाए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में अगर मिट्टी का घड़ा हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी मिट्टी के घड़े को खाली ना रखें। खाली घड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा मिट्टी के घड़े में पानी भर कर रखें। मिट्टी का घड़ा रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के अलावा अन्य कहीं घड़ा रखना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही मिट्टी का घड़ा ही अपने घर में रखें। प्लास्टिक या अन्य किसी पदार्थ से बना हुआ घड़ा अशुभ माना जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।